हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया, मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और एक और बाइबल की महत्वपूर्ण जानकारी आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। धन्यवाद देता हूँ बीते एपिसोड के लिए जिसमें आपने उसे पसंद किया, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में, पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था बाइबल के 9 उपनाम मैंने बताए थे, सरनेम जिनको कहते हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने कहा था आप लोगों से कि आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने तो 9 ही निकाले थे। और आज एक और नया विषय मैं लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, जल्दी से जल्दी सारी बातें बताऊंगा। लेकिन मुझे बाइबल पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाता है। मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा आपसे, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर कर चुके हैं तो आपका मैं हृदय से धन्यवादी हूं, अगर नहीं किया तो आज ही कीजिए, बेल आइकन दबाइए और सबसे पहले आपके पास वो वीडियो जाएगा, मेरा अगला वीडियो जो होगा, और मेरे जो वीडियो से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, अच्छा है बुरा है जो कुछ भी है मुझे बताइए, और भी कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं बाइबल से तो मुझे जरूर लिखिएगा ताकि मैं उसे पूरी कोशिश कर सकूं आपको उसको बताने की। हालेलुया, तो आज का जो विषय है वो है कि बाइबल के अन्य नाम क्या हैं, बाइबल के अन्य नाम क्या हैं। अब हम आज हम इस बात को भी जानेंगे कि बाइबल असली नाम है, बाइबल का जो क्या है, हम इसे क्या कहकर पुकारें, क्योंकि जो बाइबल जो नाम है वो बाइबल के अंदर ही नहीं लिखा है। हालेलुया, तो आइए इससे पहले कि हम आगे चलें एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हालेलुया, आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है प्रभु जी। मैं विनती करता हूं प्रभु जी आज के वचन के द्वारा तू हम सबसे पर्सनली बोल, बातचीत कर, मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूं प्रभु तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया, यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन। हालेलुया, तो आइए समय को खराब ना करते हुए, समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से हम आज के इस टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले मैं बाइबल के विषय में बताऊंगा, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया आपको कि बाइबल जो शब्द है वो बाइबल में ही नहीं पाया जाता, तो फिर ये बाइबल शब्द आया कहां से। हालेलुया, तो ये बाइबल जो शब्द है वो यूनानी शब्द है। हालेलुया, ये बाइबल जो शब्द है इसको हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। ये यूनानी शब्द है जिसे यूनानी में कहते हैं बिब्लियोज, क्या कहते हैं बिब्लियोज, और यहां मैं लिख रहा हूं आप नोट करते जाइएगा, अगर आपको पता है फिर तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप नोट कर लीजिएगा, बिब्लियोज, और इसका अर्थ है एक पुस्तक, इसका अर्थ है एक पुस्तक, और ये 13वीं शताब्दी से पहले पुस्तकें शब्द प्रयोग किया जाता था, क्योंकि इसमें 66 है, 66 किताबें हैं इसमें, तो 13वीं शताब्दी से पहले इसको पुस्तक कहा जाता था, लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद इसे पूरी तरह से एक पुस्तक कहा गया, और बाइबल जो है वो यूनानी शब्द है जिसे बिब्लियोस से लिया गया है, और ये जो बाइबल शब्द है ये बाइबल के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा है, ये बाइबल के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो फिर हम बाइबल को बाइबल ना कहें तो हम क्या कहें, तो उसका एक ही नाम है, वो है वचन, इसको हम क्या कहते हैं, वचन, ये हमारा वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के शब्द है, परमेश्वर की वाणी है, इसीलिए हम इसको वचन कहते हैं। ये बाइबल शब्द जो है वो यूनानी शब्द है जिसे बिब्लियोस कहते हैं, और वो उसी से बाइबल शब्द बनाया गया है, और इंग्लिश में जो बाइबल का अगर हम फुल फॉर्म करें तो ये एक लॉजिक है, बी फॉर बेसिक, आई फॉर इंस्ट्रक्शन, और बी फॉर बिफोर, और एल फॉर लिविंग, और ई फॉर अर्थ, यानी के बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ। इसका हिंदी में जो अनुवाद है वो है पृथ्वी को छोड़ने से पहले विश्वासियों का मार्गदर्शन, पृथ्वी को छोड़ने से पहले विश्वासियों का मार्गदर्शन करने वाली ये पुस्तक है। तो आज हम देखेंगे बाइबल के अन्य नाम, सबसे पहला नाम मैं आपको बता चुका हूं वचन, वचन है ना, तो सबसे पहला नाम क्या है, वो वचन है। वचन को हम देखेंगे नीति वचन 4 अध्याय और उसकी 20 आयत में क्या लिखा है,
और पूरी बाइबल में बहुत जगह वचन का जो जिक्र है वो है, लेकिन एक दो आयतें ही मैं पढ़कर बताऊंगा जल्दी से। देख लीजिए नीति वचन और उसका 4 अध्याय और उसकी 20 आयत में देखेंगे कि क्या लिखा है। आप निकाल लीजिए अगर बाइबल है, नहीं तो सुन लीजिए। सिर्फ लिखा है कि हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इसी तरह से भजन संहिता 119 और उसकी 11 आयत में लिखा है कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, बहुत ही अच्छी आयत है ये भजन संहिता 119 और उसकी 11 आयत के मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। और दूसरा जो शब्द है वो है पुस्तक। दूसरा शब्द क्या है? पुस्तक। इसको हम देखते हैं लूका की इंजील में, लूका की जो पत्री है उसका 4 अध्याय और उसकी 17 आयत में। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है वहां पर। 4 अध्याय और उसकी 17 आयत, लूका 4:17। यशा भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। तो ये दूसरा शब्द क्या है? पुस्तक। ये लिखा है लूका 4:17 में और दूसरा क्रंथियों 3 अध्याय और उसकी 14 आयत में भी यही बात लिखी है पुस्तक के विषय में। दूसरा क्रंथियों 3 अध्याय और उसकी 14 आयत, यहां पर मैं पढ़कर बता देता हूं आपको जल्दी से। 3 अध्याय की 14 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। सॉरी, ये गलत मैंने निकाल लिया था, मैंने 3 अध्याय की 14 आयत में पढ़ना चाहता हूं। हाँ, ये है, परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, वो आज भी नहीं उठा है। हालेलुया। और आगे लिखा है 15 आयत में, और आज तक कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। हालेलुया। तो ये पुस्तक शब्द जो है लूका में और दूसरा क्रंथियों 3:14 में पाया जाता है। तीसरा जो शब्द है वो है पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र, ये मरकुस 12 अध्याय और उसकी 10 आयत में हम पढ़ेंगे और मती 22:29 और मरकुस 12:10 में देखें क्या लिखा है। 12:10 में लिखा है, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया। तो ये पवित्र शास्त्र जो है, ये शब्द कहां पर आया है? मरकुस 12:10 में, और मती में भी हम पढ़ सकते हैं उसका 22 अध्याय और उसकी 29 आयत। 22:29 में क्या लिखा है? यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। हालेलुया। तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हो। तो ये 3 शब्द मैंने बताए हैं, वचन, पुस्तक और पवित्र शास्त्र। चौथा जो शब्द है वह है व्यवस्था की पुस्तक। व्यवस्था की पुस्तक, और ये हम देखते हैं यहोशू 1 अध्याय और उसकी 8 आयत में लिखा है। यहोशू 1 अध्याय और उसकी 8 आयत, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है ये मेरे और आपके लिए। हमें जागरूक बनाने के लिए ये वचन है, हमें हमारी नींद खोल देने के लिए ये वचन है और हमें शिक्षा देने के लिए ये वचन है। बहुत ही कीमती वचन है ये, इसको आप नोट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, यहोशू 1 अध्याय और उसकी 8 आयत। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इस पर चित लगाने से, यानी कि इसको पढ़ने से। और इसी तरह से नहीमिया 8 अध्याय की 3 आयत और गलातियों 3 अध्याय और उसकी 10 आयत में भी कुछ इसी प्रकार से लिखा है। मैं वो पढ़कर आपको बता देता हूँ, गलातियों 3 अध्याय और उसकी 10 आयत में क्या लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि व्यवस्था की जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के
करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। हालेलुया। तो व्यवस्था की पुस्तक, पांचवा जो शब्द है वह यहोवा की व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था। भजन संहिता एक अध्याय, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैं अगर सब कुछ खोलकर अच्छी तरह से बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और बहुत से लोग लंबा वीडियो देखते नहीं है। एक अध्याय और उसकी दो और तीन आयत, भजन संहिता एक अध्याय उसकी दो और तीन आयत, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह तो, मैं एक से ही पढ़ूंगा, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान लगाए रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपने ऋतु में फलता हो, उसके पत्ते कभी मुरझाने के नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। लिखा है यहोवा की व्यवस्था, ये पांचवा नाम है। छठा नाम है शुभ समाचार, शुभ समाचार। ये शुभ समाचार जो शब्द है ये पुराना नियम और नया नियम दोनों में पाया जाता है। मैं बताता हूं आपको, यशाया 40 अध्याय और उसकी 9 आयत को सबसे पहले हम देखेंगे। यशाया 40 अध्याय और उसकी 9 आयत यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे सब से सुना, मत डर, यहूदा के नगरों से कह अपने परमेश्वर को देखो। हालेलुया। ये है भजन संहिता, सॉरी यशाया, और भजन संहिता में भी लिखा है 68 अध्याय और उसकी 11 आयत में। हालेलुया। भजन संहिता 68 और उसकी 11, 68 वर्स 11, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रभु आज्ञा देता है और तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। हालेलुया। प्रभु आज्ञा देता है और शुभ समाचार सुनाने वालियों की क्या हो जाती है, बड़ी सेना हो जाती है। नए नियम में हम देखते हैं दूसरा तिमुथियस 4 अध्याय, दूसरा तिमुथियस 4 अध्याय और उसकी 5 आयत, यहां इस प्रकार से लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। और अभी हमने लूका 4 की 17 में भी पढ़ा था, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने पुस्तक ली और वहां पर सुसमाचार, शुभ समाचार सुनाना शुरू किया। हालेलुया। हम देखते हैं, एक बार मैं पढ़ देता हूं उसको, 4 अध्याय की 17 आयत में क्या लिखा है, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। तो ये जो छठा जो शब्द है वो है शुभ समाचार। ये क्या है, ये शुभ समाचार है, इसमें कोई भी अशुभ बात नहीं है, सारी बातें मेरे और आपके लिए शुभ हैं, तो इसीलिए इसे शुभ समाचार कहा जाता है। उर्दू में इसे इंजील कहते हैं, हिंदी में गॉस्पल कहा जाता है, इंग्लिश में गॉस्पल कहा जाता है। और गॉस्पल जो है वो 4 हैं, जो मत्ती, मरकुस, लूका और यहुन्ना, ये 4 गॉस्पल हैं। लेकिन जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं उनको बताता हूं कि 4 नहीं बल्कि 5 गॉस्पल हैं, एक मत्ती है, एक मरकुस है, एक लूका है, एक यहुन्ना है और एक मैं हूं, जिसे लोग पढ़ते हैं। हालेलुया। जिसे जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो मुझे और आपको पढ़ते हैं, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हैं। और संत पौलुस भी अपनी पत्री में लिखते हैं एक जगह कि तुम मसीह की पत्री हो। हालेलुया। तो ये शुभ समाचार है छठा शब्द। सातवां शब्द है सच्ची बातों की पुस्तक, सच्ची बातों की पुस्तक। सातवां जो शब्द है वो है सच्ची बातों की पुस्तक। ये लिखा है पुराने नियम में दानियल नबी की पुस्तक और उसका 10 अध्याय और उसकी 21 आयत में लिखा है, दानियल नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी 21 आयत में क्या लिखा है, आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है, और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ, उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। इसे कहते हैं सच्ची बातों की पुस्तक। ये इसमें कोई भी झूठ नहीं है, अक्षर से ये सच्ची बातें हैं, ये सत्य वचन है। क्योंकि भजन संहिता 119 अगर हम देखें वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। भजन संहिता 119 में अगर हम देखें 160 आयत में वहां पर क्या लिखा है, लिखा है, तेरा सारा वचन
सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है, तेरा सारा वचन सत्य ही है। हालेलुया। और इसका आठवां जो नाम है वो है यहोवा की पुस्तक, यहोवा की पुस्तक। हालेलुया। क्या नाम है? यहोवा की पुस्तक। आठवां नाम हम देख रहे हैं और वो है यहोवा की पुस्तक। ये लिखा है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 34 अध्याय 34 और इसकी 16 आयत, वर्स 16, 34 अध्याय और इसकी 16 आयत। यहां लिखा है यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। हालेलुया। तो यशाया नबी की पुस्तक 34 अध्याय की 16 आयत में हमने देखा है यहोवा की पुस्तक। और आखिर में हम देखेंगे जो नौवा जो शब्द है वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम देखते हैं इब्रानियों 4 अध्याय और उसकी 12 आयत। ये बहुत ही फेमस आयत है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि वचन के विषय में जब मैं बता रहा था सरनेम जो मैं बता रहा था बाइबल के, उसमें मैंने आपको बताया था ये वर्ष, और आज एक बार फिर से वही हमारे सामने है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके बार बार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ये है नौवा नाम बाइबल का या वचन का नौवा नाम। इसके संदर्भ में आपको मैं बताना चाहता हूँ दसवां नाम और देख लें, उसके बाद में आपको आखिर में बताऊंगा। दसवां और आखिरी नाम है धर्म शास्त्र। धर्म शास्त्र मरकुस 15 अध्याय और उसकी 28 आयत। आखिरी जो शब्द है वो है धर्म शास्त्र। मरकुस की इंजील है और उसका 15 अध्याय और उसकी 28 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। तब धर्म शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तब धर्म शास्त्र का यह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। यशायाह 53 में लिखा है कि वह अपराधियों के संग गिना गया, यीशु मसीह के विषय में। तो ये 10 बाइबल के नाम है जिसमें एक नाम वचन है, और मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। वचन, पुस्तक, पवित्र शास्त्र, व्यवस्था की पुस्तक, यहोवा की व्यवस्था, शुभ समाचार, सच्ची बातों की पुस्तक, यहोवा की पुस्तक, परमेश्वर का वचन और धर्म शास्त्र। हालेलुया। तो ये मैंने आपको बताए हैं कुछ नाम, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बात और कि वचन शब्द बाइबल में अनेकों बार आया, बहुत बार आया है, हम इसको पढ़ते रहेंगे जितना भी, बहुत बार वचन शब्द आया है। लेकिन जो परमेश्वर का वचन शब्द है वो पुराना नियम में 2600 बार आया है, 2600 बार परमेश्वर का वचन शब्द आया है, और नया नियम में 525 बार ये शब्द आया है परमेश्वर का वचन। तो ये छोटी सी जानकारी मेरी ओर से थी परमेश्वर के वचन के विषय में, बाइबल के विषय में, जो मैंने आज आपको बताया है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहे, आपने वचन को सुना, और इसे लाइक कीजिए, इसे वायरल कीजिए ताकि बहुत से लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और आप इसको, मैंने लिख दिया यहाँ पर सारे नाम, आप इसको नोट कर लीजिए, आप प्रचार भी कर सकते हैं इसके ऊपर, और यदि आपसे कोई पूछे तो आप उसके विषय में आप उसका जवाब भी दे सकते हैं। हालेलुया। तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद हूँ, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। हालेलुया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अगर कर चुके हैं तो मैं हृदय से धन्यवाद हूँ, और अगर नहीं किया तो अभी कीजिए, बेल आइकन दबाई दीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर आप सबको अपने नाम के लिए, अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करे। हालेलुया।